सोशल मीडिया पर भारत में टिकटॉक नाम की मोबाइल ऐप ने धमाल मचा रखा है। इस ऐप को भारत में करीब 30 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र डाउनलोड कर चुके हैं। वहीं इसके दुनिया भर में करीब 130 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हो गए हैं। इसके बारे में शायद ही आपको कुछ बताने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके बारे में आप पहले से ही सब जानते हैं, लेकिन आज हम इससे जुड़ी एक और बात आपको बताने जा रहे हैं। हाल ही में चल रहे कोरोना वायरस के कारण पूरे देश भर में लॉकडाउन होने के बाद टिकटॉक को काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स ने डाउनलोड किया है, जिससे टिकटॉक को काफ़ी मुनाफा हुआ है। लेकिन एक तरफ ये बात भी चल रही है कि टिकटॉक चीन का ऐप है, इसलिए भारत के कई लोगों ने इसे अनइंस्टॉल कर दिया है। इसकी वजह यह है कि लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस को फैलाने में चीन का हाथ है और टिकटॉक एक चीनी ऐप है, इसलिए इसे हमारे देश से हटाया जाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अब YouTube पर टिकटॉक की टक्कर में शॉर्ट वीडियो मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला है। जानकारी के मुताबिक YouTube एक शॉर्ट वीडियो ऐप पर काम कर रहा है, जिसका नाम शॉर्ट्स है, और इस ऐप का सीधा मुकाबला टिकटॉक से होगा। आपको बता दें कि टिकटॉक से काफ़ी अच्छा और बेहतरीन ऐप होने वाला है शॉर्ट्स, क्योंकि YouTube के पास पहले से ही अरबों म्यूज़िक का लाइसेंस है। हालांकि इस ऐप की लॉन्चिंग को लेकर अभी कोई खबर सामने नहीं आई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।